कि सुषमा जी ने स्वयं ये कहा कि मैंने वहां के हाई कमिश्नर से बात की है, यानी ये तो वहां के डॉक्यूमेंट्स के लिए उन्होंने जो रिजेक्ट किया था, फिर उसके बाद में जो आपके प्रयास से फिर उसको पुनर्जीवन मिला। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपने भी खुद ये कहा है, मैंने वहां के हाई कमिश्नर से बात की है, यूके के हाई कमिश्नर को भारत के विदेश मंत्री का ये कहना भी, आज उनको ट्रैवल कागजात दे दे और हमारे संबंधों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो क्या ये सिफारिश नहीं है तो क्या है? अगर ये सिफारिश नहीं तो सिफारिश क्या हो सकती है? आप ये जब कहते हैं कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो इसीलिए ये आपके कहने के ऊपर ही मिला। आप मोड़ तोड़ के बोल सकते हैं क्योंकि आप बहुत ही बातों में एक्सपर्ट्स हैं, व्याकरणबद्ध बातें बोलते हैं, भाषण अच्छा करते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप ओरली भी कहते हैं क्या ये रिकमेंडेशन नहीं है? क्या रिकमेंडेशन सिर्फ राइटिंग में होता है? क्या रिकमेंडेशन सिर्फ अगर रिकॉर्ड में है, फाइल में है तो ही? आप खुद ही मान लिए कि मैं ओरली कहा उनको, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे कहा, जब आपने कहा। और ये महाशय जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे आप उनको पासपोर्ट दिए या वीसा के लिए आपने रिकमेंड किया, वो कहां गए? वो तीन कारण बताए थे। पहला कारण उन्होंने बताया था कि किसी की हमारे रिलेटिव की शादी है, इसके लिए जाना है दीजिए। दूसरा कारण उन्होंने बताया था कि वहां के प्राइम मिनिस्टर या किनसे मिलना है, उसके लिए उसको देना, हाँ उनको मिलना है जी। तीसरा नंबर पे था जिसको आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे बता रहे, ये उनके लिस्ट में तीसरा नंबर पे था कि मेरे को पुर्तगाल जाना है, वहां पर मेरी पत्नी बहुत बीमार है और इसलिए मेरा प्रेजेंस वहां रहना जरूरी है। हालांकि पुर्तगाल के रूल्स के मुताबिक वहां पर ऑपरेशन करते वक्त इनकी जरूरत की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन कभी भी कोई पति ये जाना चाहता है। लेकिन पति की प्रायोरिटी क्या थी? एक तो पहला नंबर वन पे ये तो इनको मिलने का था, शादी में जाना था। दूसरा था कि उनका प्रायोरिटी द प्रेसिडेंट से मिलने का, और तीसरा प्रायोरिटी वाइफ को मिलने का। और एक लेटर उन्होंने लिखा, ट्वीट किया, उसमें जब अप्लाई किया तो उस लेटर में, दूसरे लेटर में उन्होंने क्या किया, पहला प्रायोरिटी फिर भी शादी दिया, सेकंड प्रायोरिटी वाइफ का दिया, थर्ड प्रायोरिटी प्राइम मिनिस्टर। कहीं भी अपने पत्नी के बारे में पहला प्रायोरिटी अपने लेटर में दिया ही नहीं। तो अरे वो खुद ही अपना खुद ही इसीलिए मैडम स्पष्ट मैं यहां पर रिकॉर्ड में लाना चाहता हूं। इस संबंध में एक और प्रश्न और उठता है कि मान भी लीजिए कि वो सही कह रहे हैं, तथ्य में जानने की जरूरत है, इलाज की जरूरत है, पत्नी भारत की नागरिक है, ये स्वयं भारत के नागरिक हैं, पासपोर्ट रद्द होने से भारत की नागरिकता तो नहीं चल जाती, ये नहीं खत्म होती, तो वहां उनकी याचना पर भारत के ट्रैवल कागजात देते, ये उनका अधिकार है, भारत सरकार का अधिकार है, वहां इलाज के लिए जाना है तो उसके बाद लौट कर आ जाइए भारत में, ये आप कह सकते थे क्योंकि उनकी यहां जरूरत थी। जब आपसे इतने संबंध गहरे हैं तो उनको ये कह सकते थे, भाई आपके ऊपर ब्लू कॉर्नर नोटिस है, अब जेटली साहब ने रेड कॉर्नर नोटिस भी इश्यू किया है, इसीलिए आप जल्दी वापिस आओ, या आप कह सकते थे, लेकिन आपने नहीं कहा, आपने ये नहीं बताया, तो यह सब छोड़ दिए। इमोशन में आकर आपने यही बार बार कहते रहे
मैं कुछ नहीं की, मैं कोई गलती नहीं की, कोई मेरा संबंध नहीं, ये बता। फिर ये कौन सा संबंध है? ट्रैवल डॉक्यूमेंट मिलने के बाद वो कहां कहां गए? कहां गए? पुर्तगाल गए, फिर उसके बाद वियना गए, फिर उसके बाद जहां जहां रिसोर्ट, जहां कहीं अच्छे रिसोर्ट है उन रिसोर्टों में जाकर आराम करते रहे, आराम करते रहे। और इनको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे मदद करते हो, जो लोग रिसोर्ट में जाके रहते हैं, जो वियना में जाते हैं, यूरोपियन कंट्रीज का टूर करते हैं, उनको आपको वीजा देने के लिए रिकमेंड करते हो? आप ये कह सकते थे 8 दिन के लिए अगर जाना है तो आप पुर्तगाल जाके वापस आ सकते हैं, इंडियन गवर्नमेंट कह सकते थे, यहां से बुला के भेज सकते थे, लेकिन आपने वो नहीं किया। आपने उनको रेकमेंड करके उनको जाने के लिए पूरा अपना, जितना घूमने के लिए जितना मदद करना चाहिए था उतना पूरा मदद आपने किया। ये आज विंडिकेट हो गया, साबित हो गया। ये क्या हिम्मत इनकी हो सकती है? ये हिम्मत करेंगे हिंदुस्तान की पार्लियामेंट को चलाने की? आप सदन के मालिक, आदमी चाहता है कि पार्लियामेंट ना चले, सदन के मालिक है। क्या आम आदमी चाहता है कि पार्लियामेंट ना चले? क्या जिसने आपको वोट दिया वो चाहता है कि पार्लियामेंट ना चले? आप दोषी हैं इस बात के।